देखिए मेरे पास जियो फ़ोन है। ये जियो फ़ोन में होता है क्या, जैसे कि ऑन होता है उसके बाद रुक जाता है, तो जियो लिख कर उसी पे हैंग हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जियो का है तो इसमें अभी मैं क्या है इसमें दिखा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये जियो का है F41T, ठीक है, ये मॉडल है। मैं आपको पूरी अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जियो फ़ोन ऑन होने के बाद ये रुक जाता है, हैंग हो जाता है। तो मैं इसको अभी आपके सामने दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। इस वीडियो में आप बने रहें, अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जियो पर ही लोगों का अटक जाएगा, ये पूरा खुलता, देखिए आवाज़ भी आ गया, पूरा ओपन नहीं होगा, इतना ही प्रूफ किया है। ये देखिए इससे आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो इसमें करना है कि आपको, जैसे कि अभी इसको आप बैटरी निकाल देते हैं, बैटरी निकालने के बाद ये देखिए दोबारा लगाएंगे और इसको पावर वाला बटन और ये होम वाला जो बटन है इसको, ये बूट वाला पैनल यही वाला है, ये बीच वाला जो है इसको प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए इसके सामने मैं दिखा देता हूँ, आप बीच वाला को दबाए रखेंगे, ये देखिए मुटन आ गया, कुछ नहीं है, आराम से इसको बस वो होने का बाद लगभग देखिए लाल वाला बटन दबाएंगे ये पैनल आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ इंस्टॉल करेंगे, ये देखिए आपके सामने, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डाटा फैक्ट्री रिसेट है, इसको ओके करना, ये लाल वाला बटन जो है इसी से दबाना है आपको। ये देखिए आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ यस या नो करना, तो यहाँ पर हमको यस करना है, ठीक है। ये लाल वाला बटन समझ लीजिए ये ओके है, तो लाल वाला बटन दबाएंगे, ये देखिए लाल वाला बटन दबाएंगे, ये इसका जो भी डाटा है सारा ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। अभी आपके सामने देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए यस या नो है ना, तो इसको यस करना है और ये लाल वाला बटन को दबा देते हैं। ये देखिए आपके सामने ये होना शुरू हो गया, ये देखें बहुत ही आसान है, दिल नहीं है तो आप इतना आसानी घर बैठे आराम से कर सकते हैं, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपना घर बैठे भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे सिस्टम में ओपन कर देंगे, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, देखिए कहीं कुछ नहीं लगा हुआ। आप सोचेंगे कि कंप्यूटर से कर रहा हो या लैपटॉप वगैरह से, कहीं कोई तार वगैरह कुछ भी नहीं है, देखा तो सामने ये होना शुरू हो जाएगा। पूरी वीडियो देखें आप, ये देखें ये ओपन हो रहा है, फुल प्रोसेस में दिखाऊंगा आपको कैसे क्या करना है, सेटिंग इसकी भी। तो आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट में भी जो भी आपकी राय है वो दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, थोड़ा टाइम लगेगा बस होने ही वाला है। ये देखें आपके सामने ये लोगो आ गया, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको, जो भी रखना है आपको, तो हमें इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश ही रख लेते हैं। ये देखिए ये वाला बटन है, इसको एक्सेप्ट करना, फिर से एक्सेप्ट करना। ये देखिए आपके सामने ये देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये देखो देख रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ टनाटन चल रहा है। तो आप इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, तो सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही, आप घर बैठे भी आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, जेन्युइन तरीका बताया, कोई इसमें केबल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा प्रॉब्लम आपके आए तो ऐसा अपना घर बैठे भी कर सकते हैं। बस वीडियो में बस इतना ही, कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें।